Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Once again, today in time chapter we understand 24-hour clock time, rule of conversion of 12-hour clock time into 24-hour clock time and vice versa. Means एक बार हम 24 hours को 12 hour में करेंगे और 12 hour को एक बार हम 24 hour में convert करना आज सीखेंगे. So 24 hour clock time. The 24 hour clock is a convention of timekeeping in which the day runs from midnight to midnight and is divided into 24 hours, indicated by the hours passed since midnight from 0 to 23. In such a system, the time is written in 4 digits. The first 2 digits shows hour and next 2 digits shows minute. In 24 hours clock, we show 1, 2, 3, 4, 5 as 01, 02, 03, 09, unlike 12 hours clock. So, you already know that one day is equal to 24 hour. So, student, जब आपका सुबह का मिड नाइट होता है, जब आप 1 o'clock, 2 o'clock, ऐसे आपका 12 नून दोपहर का 12 बज जाता है. उसके बाद जब 1 o'clock होता है तो क्या होता है, 13 o'clock. अगर आप 24 आवर क्लॉक से देखेंगे तो उसको हम 13 बोलते हैं. 2 as 14, 3 as 15, 4 as 16, 5 as 17, 6 as 18, 7 as 19, 8 as 20, 9 as 21, 10 as 22, and 11 as 23. 12 नाइट मीन्स 24. 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं. तो एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं. उसके बाद फिर से नया दिन स्टार्ट हो जाता है सुबह मॉर्निंग से, सुबह मॉर्निंग के 12 बजे के बाद. तो आज हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टाइम इनटू 12 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम. सो स्टूडेंट, रिप्रेजेंट ऑफ द आवर्स इन 24 आवर क्लॉक टाइम इज एज, जैसे 12 का मिडनाइट जब हुआ रहता है मींस तब आपका 24 आवर पूरा कंप्लीट हो जाता है और 0 हो जाता है, मींस पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और नया दिन स्टार्ट होता है मिडनाइट. तो हम उसको 0 आवर्स बोल सकते हैं. जब 24 आवर क्लॉक में अगर हम देखें तो इसे हम क्या बोलेंगे, 0 आवर्स. मींस ये आपका सुबह का टाइमिंग है, AM जब आप यूज़ करते हैं. 12 अगर है, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो होगा वो आवर होगा और सेकंड 2 डिजिट नंबर जो होगा वो मिनट होगा. मींस 1 आवर और यहाँ पे मिनट हो जाएगा, जैसे कि 1 आवर 0 मिनट, इस तरीके से देखिए. उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, AM यूज़ करते हैं ना. जब हम यूज़ ऑफ AM एंड PM बताए थे तो आप जान रहे होंगे AM हम सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं. इसी तरीके से 2 o'clock जब होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 0 to 00 hour. 3 o'clock इस तरीके से, 4 o'clock 0400, 5 o'clock, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर हम आवर शो करते हैं, सेकंड 2 डिजिट नंबर हम मिनट शो करते हैं. 6 AM जब यूज़ हो रहा है तो इस तरीके से, जब 24 आवर क्लॉक में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0600 hours हो जाएंगे. 7 o'clock 07:00, 8 o'clock 08:00, 9 o'clock 10:11, सुबह का ये सब होता जा रहा है. उसके बाद आपका 12 नून आ जा रहा है, दोपहर का 12 बज जा रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 12:00 hours. उसके बाद दोपहर के बाद हम 1 को क्या कहेंगे, 13. मींस 1 में क्या ऐड हो जा रहा है, 12 ऐड हो जा रहा है. 12 में हम 1 ऐड करेंगे, 13. 2 में हम 12 ऐड करेंगे, 14. 3 में हम 12 ऐड करेंगे, 15. 4 में हम 12 ऐड करेंगे, 16. 5 में हम 12 ऐड करेंगे, 17. 6 में हम 12 ऐड करेंगे, 18. 7 में हम 12 ऐड करेंगे, 19. जब मिडनाइट हो जाएगा रात का तो हम क्या यूज़ करेंगे, 24 आवर या बोलेंगे या तो हम 00 आवर बोलेंगे, सेम वही आ जाता है. ठीक है, नया दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, हम जैसे एग्जांपल ले लें, 12:23 AM
इसको हमको 24 आवर में कन्वर्ट करना है। तो जब 12 है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आवर की जगह पे क्या है, ज़ीरो है, तो आवर की जगह पे ज़ीरो हो जाएगा और 23 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर 12:15 करें एम ई है तो 12 के प्लेस पे क्या रहेगा, ज़ीरो, और 15 है मिनट की जगह पर वी राइट एज इट इज़ 15 और आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, 24 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 12:23 पीएम है तो वी राइट एज इट इज़ इन द प्लेस ऑफ आवर वी राइट 12 नॉट ज़ीरो, सो वी राइट 12:23 पीएम। जब एएम रहेगा अगर 12:23 पूछा जाए तो इन द प्लेस ऑफ 12 वी राइट 0, 23 मतलब 23 मिनट ही अभी हुए हैं, दिन स्टार्ट हुए। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। रूल्स फॉर कन्वर्जन 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम। फर्स्ट, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट टू डिजिट इज लेस देन 12 देन इट डिनोटेड द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट टू 12 नून, सो एएम इज टू बी यूज्ड विद इट। फॉर इंस्टेंट 1045 डिनोट्स 10:45 एएम। अगर देखिए जो पहली दो डिजिट है अगर वो 12 से कम रहेगी तो क्या यूज़ करेंगे, हम एएम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए 12 से कम है ना 10, तो हम 10:45 एएम यूज़ करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल और लेते हैं हम, 8:23 आवर्स है। ठीक है, अब हमको इसको 12 आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 12 से कम है तो हम 8:23 एएम लिख देंगे। ठीक है, 12 से अगर कम रहेगी जैसे कि हो सकता है 9:45 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 9:45 एएम। अगर 12 से कम रहेगा मतलब 11 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, अगर फर्स्ट टू डिजिट नंबर 12 से कम रहेंगी तो क्या यूज़ करेंगे हम, एएम। नाउ सेकंड, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट टू डिजिट इज मोर देन 12 इट इज़ द टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट, सो पीएम इज यूज्ड विद इट। फॉर एग्जांपल 17:10 डिनोट्स 5:10। अगर जो है पहली टू डिजिट नंबर जो है मोर रहेगी 12 से तो क्या यूज़ करेंगे हम, पीएम। इसका मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम शो किया गया है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से लेकर हम क्या यूज़ करने लगते हैं, 1 को क्या कहने लगते हैं 13, 2 को 14, 3 को 15, इसी तरीके से। तो यहाँ 17:10 है और हम क्या करेंगे इसमें से 12 माइनस कर देंगे। अगर हम 12 माइनस करेंगे 17 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5:10 पीएम। और अगर 12 से पहला टू डिजिट नंबर मोर है उसको पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5:10 लिखने के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, पीएम यूज़ करेंगे। थर्ड, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट टू डिजिट इज 12 देन इट शोज टाइम आफ्टर नून एंड सो पीएम इज टू बी यूज विद इट। फॉर इंस्टेंट 12:35 आवर्स डिनोट 12:35 पीएम। अगर पहली दो डिजिट नंबर 12 रहती है 12:35 पीएम हो जाएगा, क्या यूज हो जाएगा, पीएम। इसका मतलब दोपहर के बाद का समय है, हम क्या यूज करेंगे, पीएम। हमने देखा जैसे ये एग्जांपल हमने लिया 11:25 आवर्स, 22:25 आवर्स, 12:25 आवर्स, हमने ये टाइम लिया है। अब देखिए अगर 12 से कम रहेगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, एएम, और ये कन्वर्ट नहीं होगा, 11:25 क्या हो जाएगा, एएम। अगर 12 से ज़्यादा रहेगी तो हम 12 माइनस कर देंगे, जब 22 में से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-2 0, 2-1 1, मीन्स 10:25 हो जाएगा। लेकिन ये मोर है 12 से तो हम क्या यूज़ करेंगे, पीएम। पहले टू डिजिट नंबर 12 भी रहेगी तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 12:25, मीन्स ये दोपहर के 12 बजे के बाद है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पीएम ही यूज़ करेंगे।
Example 1, convert the 12-hour clock time to 24-hour clock time में convert करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे PM रहेगा तो हम 12 प्लस कर देंगे, आवर के नंबर में हम 12 प्लस करेंगे, तो 8 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टू 10 का 0, 1 कैरी 2, मीन्स 40 आवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर AM है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 11:45 आवर्स, क्योंकि जब PM रहता है तब कन्वर्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि हम 8 को तब 20 बोलते हैं। अब देखिए ये 12 मिडनाइट है, 12 जो रात का मिडनाइट हो जाता है वो 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं, मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं या तो 00 आवर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मिडनाइट के बाद नया दिन स्टार्ट हो जाता है, पूरा 24 आवर कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे PM है, जब PM रहता है तो हम क्या करते हैं, 12 प्लस कर देते हैं, अब AM रहता है तो हम 12 नहीं प्लस करते हैं, अब 3 में हम 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, मीन्स हो जाएगा यहाँ 15:29 आवर। तो दोपहर को हम 3 जब वो क्लॉक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 15 बोलते हैं। इतना आप याद रखिए कि जब PM होगा तो आप क्या करेंगे, 12 प्लस करेंगे, और जब AM होगा तो आप 12 प्लस नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे 11:45 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपका 24 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब आप देखिए एग्जांपल 2 में कन्वर्ट द 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए 0 to 00 आवर्स हैं, ठीक है, मीन्स ये स्टार्ट हुए हैं अभी, तो हम क्या लिखेंगे, 0 to 00 AM, क्योंकि ये 12 से कम है तो हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, AM यूज़ करेंगे। अभी देखिए हमने बताया था ना कि अगर 12 से फर्स्ट 2 डिजिट नंबर ज़्यादा रहेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, PM यूज़ करेंगे और 12 सबट्रैक्ट कर देंगे, 12 आवर सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 0, 3 माइनस 0, 3, 3 माइनस 2, 1, 2 माइनस 1, 1, 11:30 PM हो जाएगा। अभी देखिए लेस है किससे, 12 से कम है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे और AM यूज़ करेंगे, जब 12 से कम रहेगा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर तो हम AM यूज़ करेंगे। अब ये देखिए 0:40 है, मीन्स 40 मिनट हो चुके हैं, मीन्स आप क्या करेंगे, 12 को इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 12:40 हो रहा है, मीन्स सुबह का 12:40 हो रहा है, तो आप यहाँ पे 12:40 AM लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था ना कि जब 12 हो रहा है, मीन्स 12 यहाँ 00 है और यहाँ पे 35 गिवन है और यहाँ पे आवर लिखा है, इसका मतलब 12:35 AM हो रहा है सुबह का, इस तरीके से मैंने बताया था। तो मिडनाइट के बाद का जितना समय रहता है AM यूज़ करते हैं हम, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, 40 मिनट हो चुके हैं, दिन की शुरुआत हो चुकी है, मीन्स 12:40 हो रहा है, तो 12:40 AM हो रहा है। नाउ इट इज़ प्रैक्टिस टाइम, एक्सरसाइज 19C, पेज नंबर 165, क्वेश्चन 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है, जब AM रहेगा तो हम सेम लिखेंगे, लेकिन जब PM हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस 12 कर देंगे, ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर AM है, 12 आवर 20 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, AM है तो हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, 12:20 आवर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11:40 है, 11:40 PM हो रहे हैं, 11:40 में हम क्या प्लस करेंगे, 12 को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 04:213, 1 + 1, 2, तो क्या हो जाएगा, 23:40 आवर्स, ठीक है। AM है तो AM में वी राइट एज इट इज़ 03
29 hours. अब ये है 12 noon है, मीन्स 12 बज गए हैं, 12 hour हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, तो हम 1200 hour लिखेंगे, 12 hours. ठीक है. अब PM में है तो हम इसमें 12+ करेंगे. आफ्टरनून के बाद से PM लगना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स 12 hour कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम उसमें 12 अगर प्लस कर देंगे तो हमको 24 hour क्लॉक टाइम में आंसर मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 12 hour क्लॉक टाइम. 12 hour क्लॉक टाइम में करना है, तो अगर देखिए ये 12 से कम है तो वी राइट एज इट इज़ 5:45 AM लिखेंगे. ठीक है. अब ये देखिए 12 से ज़्यादा है, बी वाला देखिए 1912 hours हैं, तो हम क्या करेंगे 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 9 - 2 = 7, 1 - 1 = 0, तो क्या आएगा 7 hour 12 minute. अगर हमने 12 को सब्ट्रैक्ट किया है मीन्स 12 से ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे PM यूज़ करेंगे. ठीक है. इसी तरीके से देखिए 12 से मोर है तो 12 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 से लेस है तो आप क्या यूज़ करेंगे AM, अगर 12 से मोर है तो आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 hour को. ये देखिए 12 से लेस है तो आप सेम लिखेंगे एज इट इज़ 10:09 AM, AM यूज़ करेंगे. और जहाँ जहाँ 12 से मोर है फर्स्ट 2 digit नंबर, वहाँ आप 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और PM यूज़ करेंगे. ठीक है. अगर 12 ही रहेगा, जैसे एग्जांपल दे 12:24 है, इस तरीके से अगर होगा फर्स्ट 2 digit नंबर अगर 12 ही हो, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे PM यूज़ करेंगे. ठीक है. कर लेंगे ना 12 hour क्लॉक टाइम में कन्वर्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू कन्वर्ट 24 hour क्लॉक टाइम इंटू 12 hour क्लॉक टाइम और 12 hour क्लॉक टाइम इंटू 24 hour क्लॉक टाइम. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट कंटेंट ऑफ टाइम. तब तक के लिए बाय. थैंक यू.